नारायण 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 नारायण। एकम से लेकर अष्टमी तक, प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक, वातावरण में से हमारे शरीर में से जलीय अंश का शोषण होता है, भूख लगती है ज्यादा। और अष्टमी से लेकर अमावस्या और पूनम तक जलीय अंश की बढ़ोतरी होती है, भूख कम होने लगेगी। एकादशी, बारस, तेरस, चौदस, पूनम, अमावस्या तक। और जीवनी शक्ति भी, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, पाचन कमजोर है अथवा बीमार है, वृद्ध है, वो भी लगभग अमावस्या और पूनम के दिनों में ही संसार से विदा होते हैं ज्यादातर। जो बीमार रहते हैं अथवा जो पागल हैं, तो उनको भी अमावस्या और पूर्णिमा को पागलपन का झटका ज्यादा लगता है। मैंने सुना था भागवत की कथा में, एक अच्छे संत बोलते थे कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। जो चावल खाता है, समझो एक एक चावल एक एक कीड़ा खाने का पाप करता है। वो जाने माने संत थे, डोंगरे महाराज। तो संत की वाणी में हमारी मति गति नहीं हो तो भी कुछ सच्चाई तो होगी। तो मेरे मन में लगा कि ये कैसे होगा है। बात तो हम मानते हैं कि भाई नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार कैसे हानि होती होगी, क्या होता होगा। तो अब शास्त्रों से इस संशय का समाधान मेरे को मिला कि अष्टमी से लेकर पूनम तक जलीय अंश हमारे शरीर में बढ़ता है। जलीय अंश वाले पदार्थ जो एकादशी के दिन खाएंगे, इन दिनों में विशेष खाएंगे, तो जैसे चावल बनाने में भी खूब पानी लगता है, पैदा होने में भी, और चावल बनाने में भी चावल खूब पानी पीते हैं, तो चावल खाने के बाद भी जलीय अंश ज्यादा उपयोग में आता है। तो चंद्रमा के कुप्रभाव से हमारे शरीर में शांति का भंग होगा, विक्षेप बढ़ेगा, और विक्षेप अशांति ये पाप का फल है। तो जैसे कीड़े मरे या कोई अशुद्ध खाया तो मन विक्षिप्त होता है, तो ऐसे ही चावल खाने से भी मन का विक्षेप बढ़ता है। तो अब ये वैज्ञानिक समाधान मिला कि जलीय अंश आंदोलित होता है। जलीय अंश इतना आंदोलित होता है कि अष्टमी के बाद आप समुद्र के नजीक के पेड़ पौधों को 200 किलोमीटर की रेंज वाले 150-200 अगर काटते हो तो उनको रोग लग जाता है। अष्टमी से पूनम के बीच जलीय अंश बढ़ा होता है हवामान। और दूसरा है कि अष्टमी को भी थोड़ी भर्ती आती है, और अमावस्या और पूनम को तो जलीय अंश का प्रभाव इतना होता कि समुद्र तटवर्ती किनारे अधिक समुद्र का पानी फैलावे का एहसास करते हैं, दिखता है आंखों से। तो इतना विशाल समुद्र चंद्रमा के किरणों से प्रभावित होकर जलीय अंश का इतना विकसित होता है, तो हमारे शरीर का जलीय अंश जो रक्त है, धातु है, सप्त धातु है, वे सब थोड़े बहुत आंदोलित रहते। यही कारण है कि कहा गया है कि वे जलीय अंश का चंद्रमा के इन अमावस्या और पूर्णिमा के दिन संसार व्यवहार, पति पत्नी का व्यवहार करने से वो विक्षिप्त जो हमारा सप्त धातु और वीर्य आदि है, उससे बालक अनफिट पैदा होते, विक्षिप्त बालक पैदा होते, विकलांग पैदा होते।
अगर बालकों को गर्भाधान बालक का नहीं हुआ तभी भी वे बालक को जन्म नहीं दिया तो पति पत्नी ने जो काला मुंह किया अमावस्या या पूनम को तो उनके शरीर का जलीय अंश ज्यादा विकसित होता है और ज्यादा धातु और जीवनी शक्ति नाश होती है और यही कारण है कि वे अकारण जल्दी बूढ़े हो जाते अकारण जरा जरा बात में विक्षिप्त हो जाएंगे जरा जरा बात में बीमार हो जाएंगे और पूरी आयुष्य नहीं होगी।